इंडिपेंडेंस डे है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के लिए। एक काम करती हूँ, सबसे पहले मम्मा को जाके विश करती। गुड मॉर्निंग, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मम्मा आपको पता है कि आज हमें पूरे 76 ईयर हो गए इंडिपेंडेंस को। अच्छा मम्मा, आज के दिन ना मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरे को बहुत सारी मस्ती करनी है। बहुत बढ़िया। आज है मेरा बच्चा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सेम टू यू, खुश रहो, एंजॉय करो बहुत सारा। A few hours later. भाई यार आज तो 15 अगस्त है, आज हम दोनों फुल पतंगे उड़ाएंगे। पूरी भाई मजे एकदम काटेंगे। तो जल्दी जल्दी चलना यार, कन्ने बांधने फिर चलते ऊपर। कोई रह गया ना? यार आज स्कूल के सारे दोस्त आ रहे हैं, साथ में पतंग उड़ाएंगे। और कितनी पतंगे रहेगी यार? दो पतंगे रहेगी, उसमें चलते हैं। तो चल 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 सारे जल ऊपर चलते हैं। भाई ना वहाँ पे ना कन्ने बांध रहा पतंगों की तो? और मेरा बहुत ज्यादा मन है आज पतंग उड़ाने का। मैं तो इतने टाइम से एक्साइटेड थी कि फटाफट से 15 अगस्त आए और मैं पतंग उड़ाऊं। मैं जा रही हूँ भाई के साथ ऊपर पतंग उड़ाने और बहुत सारे मजे करने। इधर आ, काम पड़ा हुआ है मैडम जी। और वो भाई लड़कों के बीच में तू क्या करेगी वहाँ पे पतंग उड़ाएगी? तू क्या काम पड़ा हुआ? भाई के दोस्त आने वाले हैं, किचन में बहुत सारा काम है। चलो चलो किचन में पहले काम करो। मम्मा मेरा बहुत मन है यार। लड़कों के बीच में लड़कियां नहीं जाते। मम्मा मेरे को पतंग। लड़कों के बीच में लड़कियां नहीं जाती, समझ में नहीं आ रहा? चलो किचन में, चलो काम करो, चलो। काट 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 लेने दो। को मम्मी ने बोला ना नीचे जाके काम करने के लिए, जा जाके मम्मी की हेल्प करा जा। मम्मा मैं दोस्तों के साथ बाहर खेलने जा रहा हूँ, आते टाइम थोड़ा सा लेट हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ध्यान रखना अपना। ओके मम्मा। मम्मा बोलो। मम्मा मुझे ना आरती के घर जाना है। इसलिए? एक्चुअली मेरी क्लासेस मिस हो गई, इस वजह से मेरे को नोट्स कॉपी करने हैं उसके वहाँ से, तो मैं 5 से 10 मिनट में आ जाऊंगी घर। टाइम देखा है? 6 बज चुके हैं। 6 बजे के बाद लड़कियां घर से बाहर नहीं जाती हैं, आपको इतना नहीं पता? बैठ जाओ अंदर, नहीं जाना, मुझे इस तरह से मत देखो। जाओ। मम्मा सिर्फ नोट्स कॉपी करने जाना है। तो नहीं जा सकते, 6 बज चुके हैं। पर मम्मा भाई भी तो गया है खेलने। तो वो भाई है, वो जा सकता है। तुम लड़की हो, लड़की 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाती, समझ आई? चलो। भाई कल तूने इंडिया का मैच देखा? पता क्या था कैसे मारे भाई? मैंने देखा था यार, कितना बढ़िया मैच था, बहुत ज्यादा मजा आया है ना। इसने नहीं देखा, इसने मिस कर दिया। यार कैसा भाई, क्या तू कर रहा है भाई? ना वो आपस में बात कर रहे हैं ना, तो कितनी बार समझाया है? चुप रहा करो, कम बोला करो। पानी देने गए, पानी दिया, वापिस आओ किचन में, और भी काम पड़ा हुआ है। पर मम्मा वो तो खुद। क्या मम्मा, कितनी बार तुझे मैं समझाऊं, लड़कियां वहां हंसती हुई बॉयज के बीच में अच्छी नहीं लगती। तुम्हें समझ में नहीं आती? शादी करा दो तुम्हारी। पापा आने वाले हैं ना, खाना बनाना है ना, कौन बनाएगा? मेरी ड्यूटी सारी। चुप करके मेरे साथ काम करा, पापा आने वाले, खाना बनाओ, चलो। मम्मा मुझे पढ़ाई करनी है। अब पढ़ाई कर रही है तुमने? कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होनी है, तेरी शादी करानी है मुझे, समझ में आई? राशि क्या हुआ बच्चे? राशि
क्यों रो रही है? कितनी ठंडी हुई हुई है, क्या हुआ बेटा? रशु, ऐसे कौन रोते, क्या हो गया बच्चे? राशि, बेटा बताओ ना बच्चे क्या हुआ है? कैसे कर रहे हो आप? रशु, क्या हुआ बेटा? इधर इधर मम्मा के पास आओ। राशि, राशि, अच्छा मत कर, क्या हुआ बेटा? मत कर, अच्छा राशि, क्या हुआ? राशि हट गई मैं। अच्छा मुझे बता हुआ क्या है बेटा? हट गई बेटा, राशि मैं हट गई। राशि प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ क्या है? राशि, मम्मा मुझे अपने घर में कंफर्टेबल नहीं लगता है। मैं आपको कब से बोल रही हूँ, मेरे अपने घर में दम घुटता है। कब से समझा रही हूँ मैं आपको। क्या हुआ बेटा? देश को आजाद हुए तो बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन इस देश की महिलाएं आज तक आजाद नहीं हो पाई। अत्याचार बहुत हुआ देवियों, अब तुम सहना छोड़ दो। तुम में हुनर बहुत है, खुद को कमजोर समझना छोड़ दो। जय हिंद।